foodies, my name is Pooja. Welcome back to Something Foodie channel. आज हम बनाने वाले हैं चार सब्जियां जो कि आपकी हेल्थ को बहुत ही बेनिफिशियल है और ये खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो एकदम सिंपल तरीके से बनने वाली ये चार सब्जियां बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बीन्स की सब्जी बनाते हैं। बीन्स की सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल हल्का सा गर्म होने के बाद अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून राई ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून जीरा, 2 पिंच हिंग, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इस सब्जी में प्याज पसंद हो तो आप इस सब्जी में प्याज का यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे पकने देंगे। टमाटर पकते वक्त ही हम इसमें 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून आमचूर पाउडर और 1 टेबलस्पून भुने हुए मूंगफली का पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भुने हुए मूंगफली का पाउडर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन इसके यूज से इस सब्जी की टेस्ट एनहांस होती है। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें 250 ग्राम बीन्स ऐड करेंगे और इन बीन्स को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीन्स के सेवन से ये आपकी बॉडी को प्रोटीन और फाइबर प्रोवाइड करता है और बीन्स फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड ये हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी है। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक ढक्कन ढक देंगे और इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो लगभग 5 मिनट हमने इसे पका लिया है। अब हम इसके ऊपर का ढक्कन निकालेंगे तो आप देख सकते हो इस सब्जी का कलर कितना प्यारा आया है। तो अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और इस नमक को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बीन्स हल्के से मीठे होते हैं जिससे ये सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो नमक को इसमें मिक्स करने के बाद हम फिर से इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे और इसे फिर से 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसके ऊपर का ढक्कन निकालेंगे तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बीन्स की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। तो अब हम भिंडी की सब्जी बना लेते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए उसी पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून राई ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून जीरा। राई और जीरा अच्छे से फूटने के बाद अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और इस प्याज को हम इस तेल में अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको भिंडी की सब्जी में प्याज पसंद ना हो तो आप प्याज का यूज ना करें। तो ये देखिए लगभग 1 से 2 मिनट तक हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 250 ग्राम भिंडी ऐड करेंगे। आपको भिंडी को छोटी बड़ी जिस शेप में कट करना है आप इसे कट कर सकते हो। तो अब हम इस भिंडी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस भिंडी को विदाउट एनी मसाला ऐसे ही हमें फ्राई कर लेना है ताकि जब हम इस भिंडी को फ्राई करें तो मसाला बिल्कुल भी ना जले। 2 से 3 मिनट तक हमने भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा प्याज लहसुन मसाला, 1/2 टेबलस्पून आमचूर पाउडर और 1 टेबलस्पून भुने हुए मूंगफली का पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके घर में आमचूर पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह लेमन जूस का यूज़ कीजिए। भिंडी की सब्जी में आमचूर पाउडर या लेमन जूस के यूज से भिंडी की सब्जी स्टिकी नहीं बनती है। आप भिंडी की सब्जी इस तरीके से बनाइए, आपको ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए सारे मसालों को हमने भिंडी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पे लगभग 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये भिंडी ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और इस नमक को भी इस भिंडी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आपको भिंडी की सब्जी में एक चीज का ध्यान रखना है कि भिंडी ऑलमोस्ट पकने के बाद हमें इसमें नमक ऐड करना है ताकि भिंडी की सब्जी स्टिकी ना बने, अदरवाइज ये भिंडी की सब्जी स्टिकी बन सकती है। तो नमक डालने के बाद लगभग 1 से 2 मिनट तक हम इस भिंडी को पका लेंगे। लगभग 1 मिनट के बाद ये भिंडी अच्छे से पक चुकी है, तो अब ये सर्व करने के लिए रेडी। अब हम बनाने वाले हैं कुंदरू की सब्जी। कुंदरू की सब्जी बनाने के लिए हम उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और ऑयल गरम होने के बाद अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून राई, 1/2 टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे और राई और जीरा हल्का सा फूलने के बाद अब हम इसमें 250 ग्राम कुंदरू ऐड करेंगे। मैंने इसे सर्कुलर शेप में कट कर लिया है, आप इसे आपके मनपसंद शेप में कट कर सकते हो। तो इस कुंदरू को हम ऑयल में लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राइड वाली कुंदरू की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसे आपके टिफिन में भी ले जा सकते हो। इस कुंदरू को हमने लगभग 2 से 3 मिनट तक ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब हम इन सारे मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत लोगों को कुंदरू की सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन आप इसे इस तरीके से बनाओगे तो आपको ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये फ्राइड वाली कुंदरू की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसे आपके टिफिन में भी ले जा सकते हो। सारे मसालों को हमने इसमें मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। आप इसके ऊपर ढक्कन ढक के भी इसे पका सकते हो। लगभग 3 से 4 मिनट तक हमने इसे फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और इस नमक को भी सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को मिक्स करने के बाद अब हम इसे फिर से 2 मिनट तक पका लेंगे। कुंदरू के सेवन से यह आपकी ब्लड शुगर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। 2 मिनट तक हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो ये बहुत ही टेस्टी फ्राइड वाली कुंदरू की सब्जी अब सर्व करने के लिए रेडी। सबसे लास्ट में हम करेले की सब्जी बनाने वाले हैं। तो करेले की सब्जी बनाने के लिए हमने एक बाउल में लगभग 250 ग्राम करेले को सर्कुलर शेप में कट कर लिया है और इसे कट करने के बाद लगभग 2 से 3 घंटों तक हमने इसे नमक के पानी में रखा है। करेलों को नमक के पानी में रखने से इसके अंदर की कड़वाहट हल्की सी कम हो जाती है। तो अब हम इन्हें नमक के पानी में से निकाल लेंगे। इसे निकालते वक्त हमें इसे हल्का सा प्रेस कर लेना है ताकि इसमें से सॉल्टीनेस निकल जाए। तो ये देखिए, हमने नमक के पानी में से इन करेलों को निकाल लिया है। तो चलिए अब हम करेले की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून राई ऐड करेंगे और राई फूटने के बाद अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। आप विदाउट प्याज डाल के भी करेले की सब्जी बना सकते हो, लेकिन प्याज डालने से इस सब्जी को और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो हमें प्याज को लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। लगभग 1 से 2 मिनट तक हमने इस प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमने काटे हुए करेले के पीसेस हम इसमें ऐड करेंगे। और इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। करेला हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है और इसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे आपकी आई साइट इम्प्रूव होने में हेल्प होती है। हमने इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। से 4 मिनट तक हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और नमक स्वादानुसार। हमें इसमें नमक का यूज थोड़ा कम करना है क्योंकि हमने करेले को ऑलरेडी नमक में सोक करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा प्याज लहसुन मसाला और 2 टेबलस्पून शक्कर। शक्कर यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ही आप इसमें ऐड कीजिए।
और 1 टेबलस्पून भुने हुए मूंगफली का पाउडर। अब हम इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। करेले के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है और आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने में मदद करता है। और जिन्हें डायबिटिक की दिक्कत हो, उन्हें वंस इन अ वीक करेले की सब्जी जरूर खानी चाहिए। सारे मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक फिर से पका लेंगे। करेले के सेवन से ये आपकी ब्लड प्यूरिफिकेशन को हेल्प करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है। तो आप देख सकते हो करेले के कितने ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप इस तरीके से करेले की सब्जी ज़रूर बना के खाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 3 से 4 मिनट तक इस सब्जी को हमने अच्छे से पका लिया है, तो ये बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल भी कड़वी न बनने वाली करेले की सब्जी अब सर्व करने के लिए रेडी। तो ये चारों सब्जियां आप आपके घर में ज़रूर बनाइए और हमें बताइए कि आपने बनाई हुई सब्जी कैसी बनी थी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।